अस्सलामुअलैकुम परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियो में कफाले से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड, फाइनल एग्जिट मतलब या फिर डिपोर्ट होने जैसा सवाल करते हैं मेरे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे सवाल को क्लियर करने वाला हूँ, उन्हीं सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका कोई सवाल छिपा हो जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकली वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि स्वदेश से जुड़ी और गर्व से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा फाइनल एग्ज़िट लग गया है, एकामा की डेट जो 2 महीने बाकी थी, तो तू क्या मुझे क्यूआ पे तलब यानी कोई कंपनी रिक्वेस्ट भेज सकती है क्या, प्लीज़ बताएं। देखिए, अगर एक बार आपका फाइनल एग्ज़िट लग गया फिर आपका एकामा वैलिड हो, चाहे क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, कोई बात नहीं, आपका कफाला कभी भी नहीं होगा जब तक आपका फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल नहीं हो जाता। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई जी, एब्सेंट फ्रॉम वर्क को 60 दिन से ज़्यादा हो गया है, अब किसी कंपनी में कफाला कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकते। 60 दिन के बाद हुरूप अप्लाई हो जाता है, फिर आपका कफाला नहीं होता, आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मेरे भाई के साथ, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो और एकामा एक्सपायर है तो इंडिया कैसे जा सकता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और एकामा नहीं बन रहा है, मैं इंडिया को जाना चाह रहा हूँ, क्या हम क्या करें? देखिए, अगर आपका एकामा एक्सपायर है, कॉन्ट्रैक्ट खली बली, कंपनी भी भाड़े में जाए, सब कुछ सीधा सीधा, आप कहीं भी जाएं, अपना एम्बेसी में जाएं, एम्बेसी में जा कर के बताएं मेरा एकामा एक्सपायर है और मुझे फ़ाइनल एग्ज़िट जाना है, बस आपको इतना ही करना है। वहाँ फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको डेट मिलेगा, उस डेट में आपको जाते रहना है, आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगेगा, आप चले जाएँ, फिर नए वीज़े पर वापस आ सकते हैं। चले देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई जान, मैं 12 सितंबर को सऊदी आया और जिस कंपनी का वीज़ा मिला काम था वो कंपनी, वो काम नहीं मिला, दूसरा मिला, जब पूछा तो कहा वीज़ा मैं ख़रीद लिया हूँ, आपने दिल्ली एम्बेसी में कंप्लेन किया तो एम्बेसी की तरफ से कागज़ आया मेरे पास और एजेंसी को नोटिस गया, अब बताएं मैं निकल पहुँगा या नहीं सऊदी से, अगर हाँ तो कितना दिन लगेगा? देखिए, अगर इस तरह का फर्जी आप लोगों के साथ काम होता है कि काम कुछ और था एग्रीमेंट में और काम कुछ और लिया जा रहा है, अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो इसमें जो है 90 डेज़ का टाइम लगता है, उसमें आपको जो है, अगर एम्बेसी में कंप्लेन करते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है वापस आपके कंट्री में, अगर आप मकतब अमल में डिपोर्ट कंप्लेन करते हैं तो उसमें आपको ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिल जाता है और एग्ज़िट जाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, दोनों ही। तो ये तो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है, 90 डेज़ लगाता है, 60 दिन लगाता है, मकतब अमल में भी आपका सेम 45 दिन लग ही जाता है। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है 1 सप्ताह पहले लेकिन पासपोर्ट नहीं दे रहा है और 5,400 रियाल जुर्माना मांग रहा है वीज़ा एकामा का। देखिए, अगर फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है और कफ़ील आपके साथ बदमाशी करे कि आपको पासपोर्ट रख लेता है, नहीं देता है, फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ, क्योंकि अगर फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ 60 दिन में आप नहीं जाते तो फिर फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो जाए, फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई परेशानी होता है कि कफ़ील आपका पासपोर्ट नहीं देता, चुपचाप से एम्बेसी जाए, बताए मेरा फ़ाइनल एग्ज़िट लगा हुआ, ये मेरा फ़ाइनल एग्ज़िट का पेपर है और मेरा कफ़ील मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा है, बस आपको इतना कहना है। उसके बाद आपका जो है इमरजेंसी एक पासपोर्ट बनेगा जो कि 48 आवर्स से 72 आवर्स तक का वैलिड होता है, उस पर आप ट्रैवल करेंगे अपने कंट्री, फिर अपने कंट्री में जाएं, वहां जाके नया पासपोर्ट बनवा लें, बस यही एक तरीका। अगर आपका कफ़ील नहीं देता है तो, अगर कफ़ील दे देता तो अलग बात है, लेकिन अगर कफ़ील नहीं देता तो उसके लिए ये है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लेना है, अभी 1 साल नहीं हुआ होगा, अगर 1 साल नहीं हुआ है तो ट्रांसफ़र ले ही नहीं सकते हैं, और जिन लोगों के पास मैसेज नहीं आता उनका कफाला कैसे होगा? ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस सवाल को पूछने का फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे कफ़ील ने पासपोर्ट ले रखा है और भाई मैं साए ख़ास हाउस ड्राइवर आया हूँ मजरा में, भाई काम करता हूँ, कुछ बोलो तो खुरुज की धमकी देता है, लाइसेंस की वजह से चुप हूँ,
चुप होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी कफील हो चाहे कंपनी हो, अगर आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी करता है, कोई तरह का बात होता है, आप सीधा मकतब अमन में कंप्लेंट ठोक दें। बस आपको यही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आप सहते रहेंगे वो आपके साथ और बदतमीज़ी करेगा, आप सहते रहेंगे हो सकता है वो आपके साथ मारा पीटी करे। तो इस तरह का कोई भी मामला हो, आप यहाँ पे कोई भी, मैं नहीं कोई भी होगा, कोई भी वर्कर हो कफील में कंपनी में, वो गुलाम नहीं है, वो एक वर्कर है जैसे बाकी लोग भी यहाँ पे काम करने आए हैं। वो कोई सऊदी नहीं है जो इस मुल्क का, इस कंट्री का मालिक है, सभी यहाँ पे वर्कर है, किसी न किसी कंपनी में है। तो अगर आपका कफील भी काम बदमाशी कर रहा है तो वो भी कानून के अंडर में एक मुलाजिम है, उसको भी वही फॉलो करना होगा जो आपको फॉलो करना है। कंप्लेन करें, आपका काम एकदम सीधा हो जाएगा। आप जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे आपका काम टेढ़ा रहेगा, आपके साथ बदतमीज़ी होगा, मारा पीटी होगा, गाली गलौज होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सहते रहे, लेकिन बिना कंप्लेन के आपका मसला हल नहीं होगा। यहाँ पे एक भाई का सारा बात है, फारुकुद्दीन आप लोग पागल बनाते हैं। वाकई में भाई हम लोग तो पागल बनाते हैं, हकीकत बात है कि हम लोग पागल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग वाकई में पागल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पागल हैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए न्यूज़ पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए हर तरह का न्यूज़ को इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जवजात की न्यूज़ से, ट्विटर से, यहाँ हर तरह के वेबसाइट से निकाल करके आप लोगों तक तो पहुँचे। तो वाकई में हम लोग तो पागल हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, क्योंकि हम जो है लड़कियों को नाच मुजरा गाना नहीं देखते हैं फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम पे जा करके, आप लोग देखते हैं, जाके वहाँ फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, घंटों घंटों उनका नाच देखते हैं, क्या 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 दिखाता वो भी देखते हैं। तो उस तरह का चीज़ आप लोग देखते हैं, तो भाई आप लोग तो समझदार हैं, हम ही लोग बेवकूफ़ हैं, हम ही लोग पागल हैं जो उस चीज़ को छोड़ करके आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढते हैं, आप लोग के लिए न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, आप लोगों तक वीडियो बना करके पोस्ट करते हैं, ताकि आपको, चाहे वो मेरा सब्सक्राइबर हो ना हो, मुझे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरी वीडियो देखने से उसको थोड़ा बहुत हिम्मत, उसको थोड़ा बहुत सही रास्ता, उसको थोड़ा बहुत ताकत मिल जाता है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है, तो सही में मैं पागल हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, वो सभी मेरे नज़र में पागल हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, और मैं सबको नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि सबको अपने दिल पर ले लेना, कुछ कुछ लोग ऐसे चूतिए बैठे हुए हैं, गाली तो नहीं देना चाहता, ऐसे हैं जो ज़िंदगी में खुद तो कभी कुछ किए नहीं हैं, और अगर कोई उनके लिए कुछ करता भी है तो उनके लिए जो है उनके मुंह में, उनके दिल में, उनके दिमाग में फजूल बात ही भरा रहता है। तो ऐसे लोगों के बोलने से, सब्सक्राइब करने से, अनसब्सक्राइब करने से मुझे रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बस मैं यही दुआ करूँगा कि वो बंदा जो इस तरह का बात किसी यूट्यूबर ब्लॉगर को बोलता है, ज़िंदगी में कभी भी वो किसी केस मुकदमे के चक्कर में नहीं आना पड़े, तब फिर देखता हूँ कि कौन पागल है। वो पागल है जो जाके फिर उसी यूट्यूबर से पूछेगा सवाल को, या यूट्यूबर पागल है जो उस बंदे का जवाब देगा। मैं तो ऐसे बंदे का कभी ज़िंदगी में जवाब भी नहीं देता हूँ, और छोड़ भी देता हूँ, कमेंट को डिलीट भी नहीं कर देता, छोड़ देता हूँ। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई 14,000 रियाल बाकी है कफील के पास, मैं कफील के पास हूँ फिर भी हुरूप लगा दिए, पता भी नहीं चला क्या करें भाई, जवाब दो। तो देखिए भाई, जिन लोगों को भी रूप लेना है, इस तरह का मामलात है, 14,000 कुछ भी पैसा ईमान बाकी है, सिंपली आप मकतबा अमल में कंप्लेन करें, 3 डेट में आपका फ़ैसला क्लियर होगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा, फिर मेरे वीडियो में आके कंप्लेन करना कि भाई आपने बताया और मेरा फ़ैसला नहीं हुआ, मुझे पैसा नहीं मिला। बहुत सारे लोग सवाल तो करते हैं मगर उस चीज़ को अमल नहीं करते हैं, जिस वजह से वो जो है परेशान रहते हैं। ठीक है मेरे भाई लोग, और आप लोग जो बोलते हैं भाई जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो, तो भाई मेरा यही एक काम नहीं है, मैं किसी कंपनी का ऑनर नहीं हूँ, मेरे अंडर बहुत सारी कंपनी नहीं है, मैं यहाँ पे फ्री बैठा हुआ नहीं हूँ आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे अपना वक्त बचा करके आप लोगों के लिए, मैं मूवी नहीं देखता हूँ, मैं कोई इंस्टाग्राम का रील नहीं देखता हूँ, टिकटॉक नहीं देखता हूँ, कोई लौंडिया का नाच गाना नहीं देखता हूँ, कोई गाली गलौज वाला चीज़ नहीं देखता हूँ, आप लोगों के लिए न्यूज़ पढ़ता हूँ, आप लोगों के लिए न्यूज़ बनाता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इन सारे कामों को करते करते मेरा रात मेरा दिन ख़त्म हो जाता है, और मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं आप लोगों का जवाब दे सकूं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सिस्टम लाया है, आप मुझे 9 से 10 डेली अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे स्ट्रीम में ज्वाइन करें, आप लोग अपना सवाल करें, और आप लोग अपना सवाल करके अपने सवाल का जवाब उसी टाइम ले लें,
तो ये एक अच्छा तरीका है, आपको भी वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको भी मेरे पीछे पीछे चलना नहीं पड़ेगा, और आप जो अपना उसी टाइम सवाल करेंगे उसी टाइम मैं आपको लाइव स्ट्रीम में जवाब दे दूंगा। तो ये बहुत सारे लोग जो है इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं माशाल्लाह, बहुत लोग डेली का 400-500 लोग जो स्ट्रीम में जुड़ते हैं, अपने सवाल करते हैं, अपने सवाल को पूछते हैं, मैं जवाब भी दे देता हूँ, 1 घंटा बहुत होता है। तो आप लोग तो पहले सबसे पहली बात है कि वहाँ से ज्वाइन कर लिया करें। और जो लोग भी मुझसे बोलते हैं कि भाई आप अपना नंबर दो, अपना नंबर दो, अपना नंबर, तो भाई मैं नंबर कभी भी ऐसे इंसान को नहीं दे सकता। मैं नंबर अपना कॉलिंग नंबर हो या व्हाट्सएप नंबर हो, दोनों ही फीचर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेंबर को देता हूँ, यानी कि जिन्होंने मेरा यूट्यूब का चैनल का मेंबरशिप लिया है, जो कि मंथली सिर्फ 7.5 रियाल है। यहाँ आदमी सिगरेट भी फूकता है तो 9-19 रियाल खर्चा है, गुटखा खाता है तो 2 रियाल का खर्चा है, खैनी खाता है तो 22 रियाल का खर्चा है, जो कि मेरे ख्याल से 100-150 रियाल का मंथली पड़ जाता है। लेकिन 8 रियाल के खर्चे करने से आप पूरे महीने मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरा वक्त फालतू नहीं है भाई, जो लोग भी मेंबरशिप लेंगे मैं उन्हीं को अपना नंबर दूंगा, उन्हीं को अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उन्हीं को अपना कॉलिंग फीचर दूंगा, ताकि वो कभी भी मुझसे 24 घंटे में किसी टाइम भी अपना कॉल करके बात कर सकें। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग मेंबरशिप ले भी रहे हैं, ज्वाइन भी हो रहे हैं, और उन तक जो है मेरा नंबर भी पहुंच चुका है, उन तक मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पहुंच चुका है, और वो मुझे कभी भी कॉल करके कोई भी मशवरा होता है ले सकते हैं और लेते भी रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी मेरा नंबर चाहिए या फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर कुछ भी चाहिए, आपको चैनल का मेंबरशिप लेना होगा, जो कि 7.5 रियाल मंथली, आप एक बार ले लें और आप मुझे साथ पूरी ज़िंदगी, पूरे साल, जब तक आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप जुड़े रहेंगे, और आपका कोई परेशानी होगा मैं इंशाल्लाह उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, आपको कॉलिंग फीचर दूँगा, आपको व्हाट्सअप फीचर भी दे दूँगा। तो इन लोगों के लिए यही बस कहना चाहूँगा जो लोग मुझसे नंबर मांगते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई सवाल रहता है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, मैं फ्री हो रहूँगा तो आपको जवाब ज़रूर दे दूँगा। ठीक है मेरे भाई लोग, मैं वादा नहीं करूँगा क्योंकि वादा करने से फिर उसे निभाना भी पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इतने सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, आपके जो डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश किया है। आगे भी और भी इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को वॉच करते रहे, हो सके आपका कोई सवाल, आपका कोई डाउट इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।